ये थोड़ी ना पट रहा है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। और आज हम लोग जो है वीडियो बनाने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत कम लोग बना सकते हैं मेरे हिसाब से। तो आज हम लोग आए हैं वेस्ट बंगाल के सबसे हॉन्टेड प्लेस और जो जगह बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत लोग बोला था भाई कि यहाँ पर जाकर आप लोग वीडियो बनाओ। और अभी रात का समय हो रहा है, 8 बज रहा है। आज हम लोग करने वाले हैं इस जंगल में हंटेड वाला कैंपिंग, ठीक है। तो यहाँ कैंपिंग करेंगे, खाना वाना बना के खाएंगे, देखते किस तरह का। तो रिक्वेस्ट करूँगा नितिश से कि जरा लोकेशन दिखा दो, लोकेशन किस तरह का है। इधर अंदर जाके देखो, तो अभी इधर दिखा दो जरा किस तरह का लोकेशन है। तो चारों तरफ जो है डीप अंधेरा, चारों तरफ आपको जंगल दिख रहा होगा, ठीक है। देखो इधर, झाड़ी है, पेड़ है, ठीक है, इधर देख लो। और हम लोग जो है यहीं पर करने वाले हैं भाई कैंपिंग, ठीक है। तो गाइस, आज का जो कैंपिंग है वो कैंपिंग में हम लोग 3 लोग हैं, ठीक है। तो अभी टेंट लगाने की शुरुआत हो चुकी है गाइस, ठीक है। और शुभम भाई और हमारा नीतीश भाई, ठीक है, आपको पता है पिछले जो हमारा जो वीडियो था नीतीश भाई को कितना प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। और उस टाइम के बाद 2 महीने के बाद जो है दूसरी बार जो हमारा नीतीश भाई हमारे हम लोग के साथ में वीडियो बना रहा है। और घर से इसको अलाउ नहीं था बनाना वीडियो, बट आज जो है किसी तरीके से आज वो आके वीडियो बना रहा है। बंदा को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आया है। तो नीतीश भाई लास्ट बार क्या मतलब क्यों नहीं आया, उसके बाद से क्या है भाई? दिक्कत हो गया, ये घर वाला ने वीडियो देखा और बोला कि ऐसा तुम्हारी जगह पे जाना जरूरत नहीं है, कि तुम्हारे साथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए हमने उसे घर से मना किया। अभी भी आए भाई ना, झूठ बोल के आए कि हम जा रहे हैं दोस्त के घर में, उनका घर में कोई नहीं है तो वहाँ पे रुकना है। पता नहीं अगर वीडियो देखा घर वाला तो उसका रिएक्शन क्या होता, फिर पता नहीं जाने देगा कि नहीं देगा। तबियत कितना दिन तक खराब था बता दो। तबियत तो भाई लगभग 2 हफ्ता तक तबियत खराब था, 15-16 दिन तबियत खराब हो ही गया। गाइस हमारा जो है टेंट लग चुका है, अरे हम लोग जो है टेंट में हुक मार रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। क्या रात में जो फीत वगैरह गिरे, क्योंकि फीत बहुत ज़्यादा गिर रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। अब दिखा देता हूँ, टेंट के सामने इतना सामान रखा चुका है और टेंट के अंदर इतना अपना बेड वगैरह लग चुका है। मैं बता दूँ, मैंने बहुत सारा कैंप अटेंड कर चुका हूँ, कि हम NCC किए हुए हैं और मेरा जो दोस्त है शुभम वो भी NCC किया हुआ है, जो मेरा कैमरा मैन जो कैमरा ऑपरेट कर रहा है वो भी NCC वगैरह किया हुआ है। हमने बहुत सारा कैंप किए हैं, इस वजह से हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक हंटेड जंगल है, दिखा दूँ आपको, इधर आओ, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग टेंट लगा चुके हैं और शीत इतना ज़्यादा गिर रहा है, ठीक है। शीत मैं दिखा दूँ कि इतना ज़्यादा शीत इसमें गिर रहा है भाई, देखो काला प्लास्टिक लगाना पड़ रहा है, ठीक है। ये देखो कितना शीत गिर रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। तो और यहाँ पर जो हम लोग है आग भी जला चुके हैं, क्योंकि देखो कभी भी आप किसी भी हॉन्टेड प्लेस हो या जंगल हो या नाइट कैंपिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आग जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जंगली जानवर या कुछ नेगेटिव एनर्जी जो रखता है उससे बचने के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा काम आता है हम लोग को। तो इस ब्लॉग में जो है हम लोग पूरा नाइट स्टे करेंगे और देखेंगे क्या सच में कुछ ऐसा होता है हम लोग के साथ में, कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखती है या फिर जो भी चीज़ होता है होगा या नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और ठंडा में हम लोग का पहला कैंप है, ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, ठंड देखो, ठंड भाई लग रहा है सिगरेट पी रहे, इतना ठंडी लग रही है रात को भाई, तगड़ा ठंडा लगने वाला है। तो चलो उसके लिए तैयारी कर दे करके रखे हैं। तो भाई अभी हम लोग जो है लकड़ी ढूंढने के लिए निकले हैं, ठीक है। रात में देखो पेड़ मत कोई करो भाई, चाड़ियों ने भाई मेरे को पेड़ मत करो, नीचे देखो नीचे लकड़ी जो मिलता है ना, ये सब देखो लकड़ी जो ये सब जो लकड़ी वगैरह है ना, तो ये कोई झोला लेके आता ना,
तो अभी हम लोग जंगल के अंदर जा रहे हैं और ठीक है लकड़ी की तलाश में, क्योंकि रात में जो है कभी भी आप कैंपिंग करते हैं तो आग जरूर जलाएं जिससे जंगली जानवर जो है दूर रहे। लकड़ी नहीं है भाई, भाई यार लकड़ी है, जंगल बहुत तगड़ा है, देख सकते हैं गाइस। टॉर्च तो होना चाहिए, वहाँ बिचाली चली है यार। भाई अजीबो गरीब आवाज आ रहा है यहाँ पे। अरे नहीं नहीं ज्यादा मतलब तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत मुश्किलों से जो है तोड़-ताड़ के लाया है। ये तय नितीश भाई जो है यहाँ पे ताड़ का पेड़ का जुगाड़ किया है और आप ही आग जलाने के लिए इसको घसा जा रहा है। भाई लाइटर लाने वाला था लेकिन लाइटर मिला नहीं, इसलिए माचिस से जला रहे हैं। आग जग चुका है वो डाफूका वाला फूका पत्ता फूका वो जो वहाँ फैलाया था पतला डालना। आग जो जल गया है भाई इस बार दिक्कत नहीं हुआ कोई आग जलाने में, एक बार में आग जल गया और थोड़ा गर्मा लेते हैं उसके नहीं बाद। वो जो जगह था तो वो तो अलग हंटेड जगह था ना, वहाँ तो आग जल ही नहीं रहा भाई, वहाँ तो बहुत परेशानी होता आग जलाने में। असल में सबसे ज़्यादा डरे हम लोग उसी में थे क्योंकि सबसे ज़्यादा सूखा हुआ पेड़ था, यहाँ तो थोड़ा थोड़ा गीला भी है, वो बहुत ज़्यादा सूखा हुआ था फिर भी जल नहीं रहा था यार। तो गाइस अपना चिकन जो है रेडी कर रहे हैं, ठीक है कट के एकदम पूरा मस्त धो लेते हैं और फिर बनाते हैं चिकन, तब तक प्रेम भैया अपना काम कर रहे हैं। तो सुबह माइज जो आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकन धोने की तैयारी में लग चुका है और अपना अभी खाना बनेगा। अब हम लोग जो आग है वो आग का पता नहीं यार, आग जल ही नहीं रहा उसमें, ठीक है बहुत ज़्यादा नमी उस वजह से। तो अभी शिवम भाई जो है देख सकते हैं चावल बना रहा है, ठीक है पता नहीं चावल आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पूरा वाइट दिख रहा होगा। देखो आपका चावल यहाँ बन चुका है, नितीश भाई अपना जो आग जला रहा है और यहाँ बैकग्राउंड आपका सॉन्ग गाना बज रहा है, मस्त माहौल है यार, ठंडा और बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो है अपना चिकन बनना स्टार्ट हो गया है, सो माय चिकन बना रहे हैं आज, प्याज भुना रहा है, ठीक है प्याज भुना रहा है और एक सिलेंडर जो था सिलेंडर ये ख़त्म हो गया हम लोग का। और एक जो गाइस अभी हम लोग का प्लान था कि आपको जंगल का डीप जंगल के अंदर जाकर दिखाऊं, बट हम लोग को पता नहीं कैसे हम लोग को जो DSLR का जो लाइट था वो काम करना बंद कर दिया, क्या सोम भाई एकदम भाई बहुत ज़्यादा लक है कि अभी मतलब थंबनेल लेते वक्त बंद हो गया, अदरवाइज अगर बीच में बंद होता तो भाई फ़ोन का लाइट से रिटर्न आना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता भाई। तो दोस्तों रात के 12 बज चुके हैं और देख सकते हैं 12 बजने के बाद भी हमारा जो साथी अभी तक चिकन बना रहा है, ठीक है तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, बस मसाला डालना बाकी है इसमें, ठीक है। और बता दूँ कि ठंड जो है ना भाई इतना खतरनाक वाला ठंड लग रहा है, क्या बताऊँ मतलब
ये जैकेट वैकेट पहन लो मत पहनो, कोई मतलब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आग जल रहा है वो जरा सा फायदा मिल रहा है। टेंट जो है आप देख सकते हैं, टेंट दिखा दो कि हम लोग प्लास्टिक कवर कर दिए हैं, इतना ज्यादा शीत गिर रहा है। तो अभी जो है 12 डिग्री सेल्सियस जो है अभी ठंड है रात को 12 बजे, और हम लोग फोन में चेक करके देखे हैं कि और जो है संभावना ये है कि और ठंड जो है बढ़ेगा रात के 12 से 2 बजे के बीच में, और ठंड लग सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, जितना कंबल हम लोग लेके आए हैं क्या उतना इनफ रहेगा, या हम लोग को ठंड बहुत ज़्यादा लगेगा, या फिर रात में यहाँ से हम लोग घर जाना पड़ेगा, कुछ पता नहीं। बट वीडियो लास्ट तक देखते रहो क्या होता आगे। तो गाइस अपना चिकन जो है भाई लगभग रेडी होने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई कि ऐसे घर वाले लोग कहते हैं कि रात में मतलब कैंपिंग वगैरह जंगल वगैरह में चिकन वगैरह नहीं बनाना चाहिए, बट फिर भी प्रेमी हम लोग सब डिसीजन लिए कि बना के देखते हैं, ऐसे ही हॉन्टेड प्लेस है तो क्या होता है क्या नहीं। बट मेरा सुझाव या फिर प्रेम या किसी का भी सुझाव यही होगा कि भाई नाइट को आप लोग अगर कैंपिंग वगैरह कहीं कर रहे हो तो चिकन वगैरह मत बनाओ, मतलब नॉन वेज मत बनाओ यार, ठीक है। कुछ भी नॉर्मल सा खाओ, मैगी वगैरह खाओ, वही बेटर होगा। तो देखते हैं, एक बार और कैंपिंग किए थे उस टाइम भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, उस टाइम भी हम लोग चिकन बनाए थे, याद है प्रेमिया? और आज फिर हम लोग चिकन बना रहे हैं, तो चलो देखते हैं आगे क्या होगा ब्लॉग में, बने रहना भाई। तो गाइस देख सकते हैं अभी जो है रात के 12:30 बज रहा है, अभी जो हमारा खाना जो है तैयार हो चुका है, ठीक है। चावल और चिकन मिलेगा अभी अपने को, इधर चिकन बन चुका है, तो चावल और चिकन खाते हैं भाई और खाने के एंजॉय करते हैं, ठीक है। ये पता नहीं मुझे। तो फाइनली गाइस जो है देख सकते हैं हमारा खाना तैयार हो चुका है, ये लोग खाने में टूट चुका है एकदम, खाना एकदम भूखड़ की तरह, ठीक है भाई। ये लोग नहीं, नीतीश भाई बंदा बोलता है कि वो चिकन नहीं खाता है, और यहाँ सबसे पहले तो शुरू प्रेमी उधर दिखाइए, देखिए लौंडे को, देखिए गौर से, ये खाली खाने के लिए आता है, खाने के लिए जीता है, और अपना पैसा नहीं खाता है, तुझे पैसा खाता है भाई, इधर इधर प्रेमिया। और ये नहीं कि अभी भाई बहुत देर के बाद खा रहा है, थोड़ी देर पहले पीटा खा लिया, केक खा लिया, भाई सब कुछ खा लिया तब से, फिर अब चिकन खा रहा है, देखो। तो गाइस अभी जो है अपन खाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रात काफी ज्यादा हो गया है, और उसके बाद देखते हैं क्या ही होता है। तो गाइस अपने को मतलब चावल का पानी निकालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, थारी वगैरह नहीं था तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। तो प्रेम भैया का रिएक्शन, क्योंकि प्रेम भैया का पानी देखो चावल में, तो प्रेम भैया बोले कि अब सीआर जैसा खाना पड़ेगा ऐसे। अरे भाई प्रेम भैया तो करके भी दिखा दिए। शाबाश प्रेम, शाबाश बेटा, देखा यस। तो गाइस खाना कंप्लीट हो गया, ठीक है, और अभी अचानक से देखें हम लोग का जो टेंट है भाई, मतलब पानी उसमें स्वेट कर रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम लोग ऊपर का मैट देखो गंदा वाला यार, सीट में भींगा हुआ है, देखो गाड़ी, देखो यार गाड़ी देख रहे हैं तुमको पूरा पता चल जाएगा, देखो क्या हालत है, देखो सीट भाई, ये देखो सीट सीट, अरे भाई लिटरली पूरा झंडा हम लोग का भींग चुका है। तो वही प्रेम भी अभी जुगाड़ लगा रहे हैं, अपने को क्या करना है, प्लास्टिक भी थोड़ा घींच के टाइट करके लगा देते हैं, ठीक है, कि इसमें हम लोग का पूरा सेफ्टी हो जाए, पानी जो है भाई स्वेट ना करे, और सामने सामने इसको घींच के बंद नहीं है, ओके। तो फाइनली गाइस खाना वगैरह सब कंप्लीट, और कितना बज रहा है अभी, अभी दिखा रहा 12:42, तो भाई 12:30 मतलब तकरीबन 1 बजने वाला है, और नीतीश भाई अपना कला दिखाते हुए आग जलाते हुए, भाई आग जल नहीं रहा था इससे, और अब जो है ठंडा भाई बहुत ही ज़्यादा लिटरली खतरनाक वाला ठंडा आ गया है, पूरा टेंट वगैरह सब भींग चुका है हम लोग का, गाड़ी वगैरह सब भींगा हुआ है। टाइम दिखा दो यार, ये देखो दिख रहा है क्या, अरे भाई हाँ दिख रहा है, ये देखो उल्टा गूगल टाइम है, तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। तो गाइज अभी जो है रात के बज रहे हैं 3, अरे हम लोग हैं यहाँ पे 3, ठीक है। तो अभी हम लोग खाना वाना खा के मस्त एकदम टेंट के अंदर, देखो कम्बल दम टान वान के सो रहे हैं, ठीक है, और ठंडा है बाहर में बहुत ज़्यादा, बट टेंट में जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है हम लोग के पास में, कम्बल वगैरह है। और ये जो है आपको दिख रहा है शुभम अभी एक कांड कर दिया, पेपर जो स्प्रे होता है जो कि रखना चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, मेल हो या फीमेल हो, जब आप कैंपिंग करते हैं तो रखना चाहिए, ठीक है,
मान लो कोई गुंडा उंडा आ गया भाई, कोई छिनौती करने लगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको स्प्रे कर देते हैं, ठीक ना। और ये क्या किया, गुंडा तो आया नहीं, इसलिए हम लोग पे स्प्रे करके कहाँ रखे स्प्रे? रूम पे स्प्रे कर दिया अंदर में। तो अपन यहाँ खास खास के पागल हो रहे थे, ठीक ना, अभी तो खास खास हम लोग पागल हो रहे थे। और हो गया है रात, मॉर्निंग में दिखाएंगे कितना किस तरह से हम लोग सेटअप लगाए थे, ठीक है। तो अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में आप लोगों से। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी जो है मॉर्निंग का 7 बज रहा है, हम लोग अभी सोकर उठे। इस दिन तो पूरा दम फाड़ चिड़ के घोड़ा वोड़ा बेचिस हो गया, लेकिन हमको नींद नहीं आया रात भर। मतलब हम सोए लेकिन कोई 3-4 बजे हम सोए थे, ठीक है, क्योंकि कैंपिंग में सब सो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा जरा सा, इसलिए प्रोटेक्शन के रखे थे। तो प्रोटेक्शन के लिए गार्ड बना कर रखा था हमको, वही लोग हम जाग रहे थे, लोग सो रहा था, ठीक है। तो मॉर्निंग हो चुका है, अभी हम लोग निकलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं बाहर का लोकेशन कैसा है यहाँ का। तो चलिए सुबह सुबह उद्घाटन किया जाए बाहर का माहौल। पहले देख लो कितना सारा दम वाला सीट यार, देख रहे वो भाई, अगर प्लास्टिक नहीं होता। और ये भाई बाहर का लुक भी देखना भाई, कैसे जाओगे भी। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो है कैंप, अपना कैंप लगा हुआ था, ठीक है। नीतीश का इतना ठंडा लग रहा है, बाहर नहीं आना चाह रहा है। और अपना बाइक का हालत देखो कैसा, कितना सीट गिरा है रात में, ठीक है, पूरा फ्लैग व्लैग सब भींग गया है। मतलब सोचो गाड़ी धुल गया है, ठीक है, हम लोग एक्स्ट्रा टेंट लगा के एक्स्ट्रा प्लास्टिक लगा दिए, फिर भी टेंट जो है भींग गया है। तो अभी हम लोग आपको जरा सा जंगल का तरफ लेकर जा रहे हैं कि कैसे जंगल में हम लोग रुके थे कल, ठीक है। तो वहाँ पर देखो, वहाँ पर टेंट लगा हुआ है, और इधर हम लोग लोकेशन आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि ये रात जो है बहुत ख़तरनाक जाने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली फ़र्क कुछ नहीं कर गया। रात में कुछ एफेक्टिविटी नहीं हुआ ना हम लोग को दिखाई दिया, बस जो है बहुत जानवरों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, जो आपको वीडियो के अंदर जो आपको दिखा भी होगा। और दिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाकी अगले व्लॉग में देखते हैं, एक और 100 प्लेस में जाएंगे तो वहाँ का जो है माहौल और क्या रहता है। देखो भाई जंगल देखो, बहुत कोई बोलेगा भाई झूठ बोलता है तुम लोग, ठीक है, ऐसे घर का बगान वगैरह में बना दिया होगा, पर लोकेशन देख कर लोकेशन देख लो। आई देख ए घुमा के मुंह दिखा दो भाई, हाँ देखो अपना ही बंदा है, ठीक है, जो रात में था। तो प्रेम भैया कब आ रहे जी? भाई अभी जो है हम लोग फ्रेश होके जो है अभी कॉफी बना रहे हैं। ये देखो गाइस अपना कॉफी बनेगा इसमें, और थोड़ी देर में फिर हम लोग यहाँ से मैगी, फिर यहाँ लोग अपना पैकेजिंग वैकेजिंग करके फिर निकलेंगे 8-9 बजे तक। तो अभी कितना बज रहा है? 7:30 बज गया गाइस, 7 बज गया। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का देख सकते हैं कॉफ़ी बन के यहाँ तैयार हो चुका है। हम लोग दोनों कफ लिए हैं इसके लिए, जुगाड़ वाला इस पर दिए हैं, ठीक है। अभी देखो मस्त वाला कॉफ़ी बना भाई, पी के बताओ कैसा लग रहा है। एक नंबर भाई, औसम बनाते प्रेम भैया, मज़ा ही आ गया भाई। तो कॉफ़ी इन्जॉय करते हैं, फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं फिर। और आप लोग जो है हमारे व्लॉग को देखते रहिए, ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम लोग सपोर्ट करिए जरा सा, और जरा सा हम लोग को जरा वायरल वायरल कीजिए। तो अपना भी देख सकते हैं हम लोग सारा सामान पैकेजिंग कर रहे हैं। तो हे गाइस, इस वाले जो कैंप में जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आया रात में, यहाँ रात बिताने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ठंड बहुत था बट कैंप की वजह से आज हम लोग प्लास्टिक जो लगा दिए थे उसकी वजह से जो है ठंड बहुत ज़्यादा कवर हो गया था, ऑलमोस्ट जो है नहीं के बराबर बोल सकते ठंड लगा हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पैकेजिंग कर रहे हैं और निकल रहे हैं दूसरे प्लेस के लिए, हम लोग दूसरे जगह जाके कैंपिंग करने वाले हैं। तो इस वाले जो व्लॉग है उसको यहाँ पर एंड करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी हमारे चैनल के साथ बने रहो, हमारे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करते रहो, वीडियो को शेयर करो इसी तरह के कैंपिंग वाले वीडियो देखने के लिए, ट्रैवलिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलो दोस्तों, कुछ बोलना चाहता है क्या? नहीं कुछ नहीं भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। तो अभी हम लोग दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं हम लोग कैंपिंग करने के लिए, वेस्ट बंगाल का कहाँ जाने वाले भाई? आद्रा। हम लोग, हाँ वेस्ट बंगाल में एक आद्रा करके जगह है, ठीक है, जहाँ का केक जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं यहाँ से डायरेक्टली, तो उस वाले ब्लॉग को भी जरूर देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलो ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते गाइस।